हेलो दोस्तों, सलाम नमस्ते, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। मैं हूं इस चैनल का होस्ट, आपका दोस्त आयान, आ गया हूं फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि अगर आप इंडिया में हैं और कुवैत में आप आना चाहते हैं, अगर आपने कोवैक्सीन लिया है या फिर आपने कोवैक्सीन नहीं भी लिया है, अगर आपके पास वीजा है या फिर आपके पास सिविल आईडी है कुवैत का, या फिर आपके पास वीजा नहीं है, तो भी आप जो कुवैत के अंदर जो इंडियन एम्बेसी है उसके तरफ से जो एक साइट दिया गया है, यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। स्पेशली वो लोग जिन्होंने इंडिया के अंदर कोवैक्सीन लिया है वो जरूर रजिस्ट्रेशन करें, बाकी जो लोग नहीं भी लिया है या फिर जिनके पास अभी वीजा नहीं है वो भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो क्या क्या डालना है सारा कुछ मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा, और ये साइट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां जाके आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको यही साइट खुल के आ जाएगा। तो सबसे पहले आप पूरा वीडियो देख लें कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, और मैं सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखा देता हूं, उसके बाद वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि ये क्यों आपके लिए जरूरी है और ऐसा इंडियन एम्बेसी जो कुवैत के अंदर है उसने क्यों ऐसा करने को बोला है। तो सबसे पहले मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाता हूं। तो चलिए यहां पे सबसे पहले नीचे आएंगे और यहां पे आपको मेल आईडी अपना डालना है, जो कि मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका मेल आईडी होना चाहिए जो यहां पे दिख रहा है, जो भी आपके फोन में मेल आईडी है आपको वही डालना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे नाम डाल रखा है आयान खान, आपका जो पासपोर्ट पे नाम होगा आपको वही नाम डालना है, बस ये याद रहे। ठीक है, मतलब जो भी आपका पासपोर्ट पे नाम है आपको वही नाम डालना है, उसके अलावा आपको कोई दूसरा तीसरा नाम नहीं डालना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे करंट एड्रेस, इंडिया का जो आपका करंट एड्रेस होगा वो आप डालेंगे, और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो आपके पासपोर्ट पे करंट एड्रेस होगा वही आप डालो तो वो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, और साथ ही साथ आप पिन कोड और स्टेट का नाम भी जरूर आप मेंशन कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे आपको एड्रेस पूरा डालना है, जो करंट एड्रेस वो होगा, दूसरे नंबर पे आपका पासपोर्ट के अकॉर्डिंग नाम होगा, तीसरे नंबर पे आपका पासपोर्ट का नंबर होगा जैसा कि मैंने यहाँ पे नंबर ऑलरेडी डाल रखा है। ओके, उसके बाद पांचवें नंबर पे बोल रहा है कि डेट ऑफ एक्सपायरी पासपोर्ट, आपका जो पासपोर्ट है वो कब एक्सपायर कर रहा है वो आपको वो डेट डालना है, जो आपके पासपोर्ट में एक्सपायरी डेट होगा वही आपको डाल देना है। तो पांच नंबर आपका ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आएगा आपको सिक्स नंबर, सिक्स नंबर पे पूछ रहा है कि डू यू हैव ए वैलिड वीजा या रेसिडेंसी, अगर आपके पास वीजा है या सिविल आईडी है कुवैत का तो आप यस करेंगे, अगर आपके पास सिविल आईडी नहीं है या फिर आपके पास वीजा नहीं है तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। ठीक है, तो मेरे पास वीजा है तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ, अगर आपके पास वीजा नहीं है तो आपको नो कर देना है, आपको याद रहा यस नहीं करना है। ओके ओके, तो आपको सातवें नंबर पे यहाँ पे क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पे वीजा मेरे पास है तो मैंने वीजा आईडी डाल दिया है, जो वीजा नंबर है वो मैंने यहाँ पे 9 डिजिट का डाल दिया है। ठीक है, कौन सा वीजा नंबर होता है आपको पता ही होगा, आपको मैंने बहुत सारा वीडियो के अंदर बताया है, कल के वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया है। अगर आपके पास सिविल आईडी है तो सिविल आईडी का नंबर यहाँ पे आप डालेंगे, अगर आपके पास वीजा नहीं है तो आप यहाँ पे बस NA डाल देंगे, NA ऐसे करके डाल देंगे, बस हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अगर आपके पास वीजा नहीं है तो मैंने आपको पहले बोला है नो करके, यहाँ पे NA डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे डेट ऑफ एक्सपायरी जो है, यहाँ पे रेसिडेंशियल, जो आपका वीजा का डेट ऑफ एक्सपायरी होगा वो आप यहाँ पे क्लिक करके वो डाल देंगे। ठीक है, तो आपका ये 8वां नंबर भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब जो आपको 9 नंबर पे क्या करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा टाइप वीजा यूज करना है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर कुवैत के अंदर कहीं भी काम करते हैं, मतलब मॉल के अंदर या कंपनी के अंदर, तो जहां पे मैंने टिक मारा है 18 नंबर वीजा के ऊपर, ये आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आप कुवैती घर के अंदर किसी भी टाइप का काम करते हैं तो आपको ये 20 नंबर जो दिख रहा है, तो ये आपको जो 20 नंबर दिख रहा है यहाँ पे आपको टिक मारना है, जैसे मैं आपको मार के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आप फैमिली को कुवैत के अंदर बुला रहे हैं या बुलाने वाले हैं तो आपको ये 22 नंबर जो दिख रहा है यहाँ पे आपको टिक मारना है। ठीक है, मतलब तीन टाइप के ही लोग ज्यादातर कुवैत के अंदर आते हैं, या तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करने के लिए, या फिर फैमिली वीजा पे आते हैं, या फिर कुवैती घर के अंदर मतलब हाउस ड्राइवर होता है, या फिर जो भी हाउस के अंदर टी बॉय होता है, बहुत सारे लोग होते हैं कुवैती घर के अंदर काम करने में, उनको जो 20 नंबर पे सिलेक्ट करना है, बाकी फैमिली वाला जो 22 नंबर पे, और जो मैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करता हूं तो वो 18, जो मेरा वीजा नंबर है वो 18 है। ठीक है, अगर आपका कंपनी का वीजा है कुवैत के अंदर का तो आपको 18 ही सिलेक्ट करना है, अगर आपको कुवैती घर का वीजा है तो 20 सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब आएंगे यहाँ पे नीचे 10 नंबर पे बोल रहा है आर यू कोविड-19 वैक्सीनेटेड, तो अगर आप वैक्सीनेटेड हो तो आपको यस कर देना है, अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हो तो आपको नो कर देना है। तो मैं यहाँ पे वैक्सीनेटेड हूँ तो यहाँ पे यस कर दिया है। फिर आपको 11 नंबर पे आता है कि क्या आपने कोवैक्सीन लिया है इसलिए आप कुवैत में नहीं आ पा रहे, तो इसमें यस कर देना है आपको, अगर आपने कोवैक्सीन लिया है और कुवैत के अंदर आप नहीं आ पा रहे तो आपको यस कर देना है। अगर आपने कोवैक्सीन के अलावा कोई और वैक्सीन लिया है तो यहाँ पे जस्ट आपको नो कर देना है। ठीक है, लेकिन अगर आपने कोवैक्सीन लिया है तो आप जरूर यहाँ पे यस करें। ओके, अभी 11वें नंबर पे आपसे पूछ रहा है कि क्या आपने कोवैक्सीन लिया है इंडिया के अंदर या फिर आपने कोई और वैक्सीन लिया है, तो आपने अगर कोवैक्सीन लिया है तो यस कर देंगे, अगर आपने कोवैक्सीन नहीं लिया तो यहाँ पे नो कर देंगे। तो मान लो कि मैंने कोवैक्सीन लिया है तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है लास्ट काम आपका बचता है जो 12वें नंबर पे है, ये है, ये आपसे पूछ रहा है कि कोवैक्सीन आप जो लिए हैं इंडिया के अंदर इसके वजह से क्या आप कुवैत के अंदर नहीं आ पा रहे, तो आपने अगर कोवैक्सीन लिया है तो जस्ट यहाँ पे यस कर देंगे, अगर आपने कोवैक्सीन नहीं लिया है तो यहाँ पे नो कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो सबसे लास्ट काम यहाँ पे पूछ रहा है, मतलब कोई आपका कमेंट या फिर कुछ भी ऐसा आपको बात करना है या किसी भी टाइप का आप सजेशन देना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं, तो मुझे कोई भी कमेंट नहीं करना है इस पे, तो मैंने NA कर दिया है। NA करने के बाद जस्ट आपको नीचे दिख रहा है सबमिट, आपको सबमिट पे क्लिक करना है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे कर, और यहाँ पे मैंने जितना भी डाटा डाला है सारा डाटा मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, मतलब जो भी मैंने डाला है वो सारा कुछ रिकॉर्ड हो चुका है, जो भी मैंने डाटा डाला है वो सारा सबमिट हो गया है। अब यहाँ पे जो नीचे दिख रहा है सिलेक्ट अनदर, मतलब अगर आप चाहते हो आपका कोई फ्रेंड है उसका भी डिटेल अगर आप सबमिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर से एक नया पेज खुल के आ जाएगा, वहां पे उनका सारा डाटा डाल देंगे, उसके बाद उसको भी लास्ट में जाके सबमिट कर देंगे जैसा मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जरूरी क्यों है आप सबके लिए, जिन्होंने कोवैक्सीन लिया है या फिर जिनके पास वीजा भी नहीं है या फिर जिन्होंने कोवैक्सीन नहीं लिया है कोई और लिया है, उन लोगों को इसलिए मैं बोल रहा हूँ रिकमेंड करने के लिए, क्योंकि इंडियन एम्बेसी जो है कुवैत को एक डाटा दिखाएगी, इतने सारे बंदे हैं इंडिया के
के अंदर जो कोवैक्सीन लिया है और वो कुवैत के अंदर नहीं आ पा रहे हैं इसी रीजन से। तो इससे क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो कुवैत है कोवैक्सीन को भी अप्रूवल दे देगा कुवैत के अंदर। जो डाटा है आपका, जो डाटा होगा ये सिक्योर है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात, ये इंडियन एम्बेसी का ऑथोराइज है और इंडियन एम्बेसी आप लोगों के लिए ही कर रही है, तो आप जरूर से जरूर रजिस्ट्रेशन करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। अगर आप कुवैत में हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दें इंडिया के अंदर और वहां से उनको बोले रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो इस साइट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप चेक कर ले। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आपका किसी भी टाइप का सवाल है तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। अगर आप कुवैत के रिलेटेड सारे न्यूज सारे अपडेट के साथ अपडेट रहना चाहते हैं हमारे साथ, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें, जैसे ही कोई भी वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप सबसे पहले वो वीडियो देख सके। मैं मिलूंगा फिर से आपके साथ एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मैं हूं अयान और आप देख रहे हैं कुवैत जॉब अपडेट। थैंक यू।